आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वैल्यू एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है या आपका रहेगा मूल्य परक शिक्षा, इसके हम असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे कि आपको यह असाइनमेंट कैसे मिलेगा और ये आपको असाइनमेंट कैसे लिखना और किस प्रकार से लिखना है, ये सारी बातें मैं आप सबको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे आप सबको पता होगा कि जिन भी बच्चों ने जनवरी 2024 में एडमिशन करवाया था तो आपके पास एक सब्जेक्ट कोड होगा BEDSESV101 वैल्यू एजुकेशन का आपका ये सब्जेक्ट है BEDSESV101 वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, जिन बच्चों ने जनवरी 2024 में, और आपका प्रोग्राम कोड होगा BAM, क्या होगा आपका प्रोग्राम कोड, जैसे पहले इग्नू में BAG होता था, ये नॉर्मल BA प्रोग्राम जिसे हम BA पास BA प्रोग्राम बोलते हैं, उसका आपका असाइनमेंट आ गया। आप सभी लोग अपना असाइनमेंट जाकर के बना सकते हैं, और जिन भी बच्चों ने जनवरी 2024 में अपना एडमिशन करवाया है तो आपको जो असाइनमेंट आपको जमा करना, उसकी लास्ट डेट रहेगी 31 अक्टूबर 2024, बट ये लास्ट डेट बढ़ भी जाएगी। ठीक है, नवंबर में भी असाइनमेंट जमा होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का असाइनमेंट है, अगर आप देखेंगे BEDSV101 वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इस असाइनमेंट की अगवा तो आपका 100 नंबर का असाइनमेंट है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का आपका असाइनमेंट रहेगा। और टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए गए। कितने क्वेश्चन दिए गए असाइनमेंट में? आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है, 20-20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, और टोटल ये 5 आपको करना है, और इनका आंसर भी आपको कैसे मिलेगा वो आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। साथ में एक चीज मैं बता दूं आप सबको, मैं वैल्यू एजुकेशन की आपको क्लास भी मैं पढ़ाने वाला हूं। तो जिन भी बच्चों को मूल्य परक शिक्षा, जिसको हम वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं, अगर आपको उस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो आपको मैं लिंक दूंगा, बाकायदा मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। ठीक है, आप मेरे को कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा वैल्यू एजुकेशन। खासतौर से मैं आपको हिंदी मीडियम में यह सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। अगर मैं इस असाइनमेंट की बात करूं तो देखिएगा BEDSV101 मूल्य परक शिक्षा 100 नंबर का आपका असाइनमेंट होगा। ठीक है, और ये आपको खास तौर से आपको वो लानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल जो सीट्स नहीं होती है, एक तरफ प्लेन होती है और एक तरफ लाइनिंग होती है, वाली सीट लानी पड़ेगी, और आपको ये असाइनमेंट लिखना। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय समाज में विद्यमान सांस्कृतिक विकृतियां क्या है। ठीक है, मूल्य मनुक्ता की आवश्यकता को क्यों है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, भारतीय संस्कृति के अंतर्निहितार्थ मूल्यों की व्याख्या करें, 20 नंबर का क्वेश्चन। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आपका है, व्यक्तित्व विकार के विभिन्न प्रकार क्या हैं, चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न की चर्चा कीजिए, 20 नंबर का तीसरा क्वेश्चन। चौथा आपका क्वेश्चन रहेगा, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, परिवार साथियों के प्रभाव की व्याख्या करें। ठीक है, प्रारंभिक समाजीकरण में स्कूल क्या है, 20 नंबर का चौथा क्वेश्चन। और आपका जो पांचवा क्वेश्चन क्या रहेगा, मीडिया के क्या कार्य हैं, मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आपको बताना है। यानी 20-20 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, और 20 नंबर का जो आपका एक क्वेश्चन है तो उसके लिए कम से कम आपको 5 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, 5-6 पेज का तो आपको लिखना पड़ेगा आपका एक असाइनमेंट। और आपको टोटल असाइनमेंट आपको 30 से लेकर के 35 पेज के बीच में आपको असाइनमेंट बनाना है, और 30 से 35 पेज में आप बोला हूँ, जिस वो वाली प्रैक्टिकल जो सीट नहीं थी जिसमें एक तरफ प्लेन है एक तरफ लाइनिंग है, उस वाली पर लिखेगा। अरे सबको मैं आपको आंसर भी आपको निकाल करके जरूर बता दूंगा कि आपको, दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये असाइनमेंट कैसे मिलेगा, जो आपका ये आ गया मूल्य परक शिक्षा वैल्यू एजुकेशन का जो आपका असाइनमेंट है। ठीक है, आपको कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले आपको लोगों को ना एक काम करना पड़ेगा, आप ना गूगल में आ जाओ, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इग्नू असाइनमेंट। क्या लिखना पड़ेगा, आप लोग जैसे गूगल में आओगे तो यहाँ पर लिख लेना, जैसे मैंने लिखा इग्नू असाइनमेंट, तो आपको यहाँ पर एक वेबसाइट मिलेगी, असाइनमेंट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से आ जाएगा, इग्नू की वेबसाइट खुल गई। देखो यहाँ इग्नू का सिंबल बनाया, पर लिखा असाइनमेंट प्रोग्राम वाइज, तो आपका जो BAM प्रोग्राम है, आप सब लोग बैचलर डिग्री में, यानी आप लोग BA कर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री पर क्लिक करना है। जैसे आप सब लोग बैचलर डिग्री पर क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से आपका खुल जाएगा, असाइनमेंट प्रोग्राम वाइज बैचलर डिग्री। तो जैसे आप लोग बैचलर डिग्री में आओगे तो यहाँ पर देखना BA लिखा, BDPBA, तो यहाँ पर लिखा ना 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, BAM इस पे आना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 4 ईयर लिखा, बट भाई मेरे आपका जो BAM है ये 3 साल का कोर्स है, यहाँ पर 4 ईयर देख करके आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है। ठीक है, आपको असाइनमेंट यहीं से मिलेगा।
जैसे आप सभी लोग फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BAM पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधा इस प्रकार से वेबसाइट खुल जाएगी। देखो फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बैचलर ऑफ आर्ट जिसको BM बोलते हैं यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखो कॉमन वैल्यू एजुकेशन वैल्यू एडिट कोर्सेज, यहाँ पर देखो BED SV हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ पर असाइनमेंट मिलेगा। और जो भी बच्चे अगर आप BAM में हैं, आपके पास हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, हिंदी है, तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं आपको सारे सब्जेक्ट की मैं क्लास भी पढ़ाने वाला हूँ। और खास तौर से आज मैं आपको यहाँ पर जो आपका वैल्यू एजुकेशन है उसका असाइनमेंट कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में आपको मैं क्लास भी आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मेरा नाम है रजनीकांत मिश्रा, ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा है 9034747158। अगर आपको BAM प्रोग्राम का कोई भी अगर आपको क्लास पढ़नी है या आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से जरूर ले सकते हैं। और BAM में खास तौर से वैल्यू एजुकेशन का आपको असाइनमेंट कैसे लिखना है, अगली वीडियो में आपको असाइनमेंट निकाल करके बता दूंगा कि आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से मिलेंगे। और बाकायदा मैं आपकी बुक में से बता दूंगा, बुक में से आप सभी लोग असाइनमेंट को कैसे लिख सकते हैं। एक चीज बता दूं, आप लोग सोल्व असाइनमेंट लिख करके मत जमा करना जो लोग भेजते रहते हैं, क्योंकि वही असाइनमेंट बहुत सारे लोग लिख करके जमा करते हैं तो सेम असाइनमेंट रहता है, तो टीचर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं देता है। तो आप लोग अपने असाइनमेंट को अच्छे से अच्छे बनाओ। बाकायदा मैं आपको वैल्यू एजुकेशन जो है, या आपके पास हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, सोशोलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट में आप सबको मैं पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा मेरा मोबाइल नंबर है 9034747158। आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा जहां पर मैं आपको सब्जेक्ट की क्लास पढ़ा दूंगा। और आप सब लोग अपना असाइनमेंट लिख करके फटाफट जमा करवा दो, क्योंकि आपका पेपर दिसंबर में होने वाला है, और आप करवा दीजिएगा। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप मेरा जो है इग्नू ऑल सब्जेक्ट क्लासेस बाई मेरा नाम लिखा है, आप यहाँ ये जो आपका QR कोड है, आप इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर QR कोड दिख रहा होगा, आप यहाँ इसको स्कैन कर लो और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, अगर आपका BAM प्रोग्राम है, या आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप मेरे से बाकायदा फोन करके भी आप पूछ सकते हैं, और आप मेरे को कुछ भी जानकारी, और आपको मैं क्लास भी पढ़ा दूंगा। साथ में वैल्यू एजुकेशन का जो असाइनमेंट, वो असाइनमेंट आ चुका है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए हैं, ये टोटल 5 क्वेश्चन है, आप इनको जरूर लिख लीजिएगा। अगली वीडियो में आपको बता दूं कि आपको असाइनमेंट कैसे लिखना है, या मैं आपको आपकी जो बुक है, अगर मैं आपकी बुक की बात करूं तो ये आपकी बुक रही, यहाँ पर देखो BED SV 101 मूल्य परक शिक्षा वैल्यू एजुकेशन, इसमें टोटल 5 ब्लॉक हैं, 5 ब्लॉक में से आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। यहां से मैं बाकायदा आपको असाइनमेंट निकाल करके बता दूंगा कि आपको आंसर किताब में कैसे कैसे मिलेगा और कहां कहां से मिलेगा, मैं सारा आपको डिटेल में निकाल करके बता दूंगा। आप लोग आसानी से अपने असाइनमेंट को लिख सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। असाइनमेंट कैसे लिखना है, आप एक काम करो, प्रैक्टिकल वाली सीट लाओ जिसमें एक तरफ लाइनिंग है एक तरफ प्लेन है, उसको लेकर के आओ और आप इन सारे क्वेश्चनों को लिखो। सबसे पहले आप लिखो, उसमें लिख रहेगा BED SV 101 मूल परक शिक्षा, फिर उसमें लिखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आंसर डालते हुए आप इसको पूरा लिख सकते हैं, आप पूरी असाइनमेंट को। साथ में आपको आपका जो वैल्यू एजुकेशन है, मूल्य परक शिक्षा है, इसको मैं क्लास भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो आप लोग जाकर के अपने असाइनमेंट को लिख सकते हैं। अगर आपको 5 क्वेश्चन में से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिल नहीं रहा है तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको असाइनमेंट कैसे लिखना, क्वेश्चन कैसे लिखना है। साथ में आपको क्लास भी पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जहां से आपको इस सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। साथ में आप सभी को अगर मैं बता दूं तो मैं हिंदी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, इस टाइप की आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, आप BAM प्रोग्राम में अगर हैं तो मैं आपको क्लास भी पढ़ा दूंगा, कोई आपकी समस्या वाली बात नहीं है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और साथ में आप लोग फटाफट अपने असाइनमेंट को लिख लो, और आप अपना असाइनमेंट अक्टूबर या नवंबर तक जमा करवा देना। अक्टूबर 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, बट नवंबर में भी असाइनमेंट जमा होता है, लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाएगी। असाइनमेंट बनाओ, अच्छे से बनाओ, ताकि आपको असाइनमेंट में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। अगर आपका कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से किसी भी क्वेश्चन को आप बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। साथ में आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, और इस असाइनमेंट को आप सभी लोग फटाफट जाकर के लिख लीजिए। और ये आपको असाइनमेंट कैसे मिलेगा वो मैंने बता भी दिया है,
और इसको लिखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लेना, अच्छे से बनाओ। अरे सभी बच्चों के पास ये जो वैल्यू एजुकेशन का सब्जेक्ट है सभी के पास है, बीएम प्रोग्राम कोई भी करेगा भाई मेरे एडमिशन लेगा तो वैल्यू एजुकेशन आपका रहेगा रहेगा, ये कंपलसरी पेपर है और इसका मल्टीपल च्वाइस एग्जाम नहीं होगा, एक थ्योरी बेस आपका एग्जाम होने वाला है। बट आपका जो इन्वायरमेंटल स्टडी का जो पेपर है ना, इन्वायरमेंटल स्टडी BE-1/10, उसका मल्टीपल च्वाइस में एग्जाम होता है, 50 नंबर का होगा, ठीक है, मल्टीपल होता है, उसको मैं आपको जरूर बता दूंगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर आपको लगातार इन्फॉर्मेशन, आपको लगातार मैं क्लास भी पढ़ा दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। बाकी मैं आप सबको ये असाइनमेंट बता रहा था कि मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे असाइनमेंट नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा, कहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप जाकर के आप सभी लोग अपना वैल्यू एजुकेशन, इसका इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन पेपर है, ऐसा नहीं हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम का भी क्वेश्चन पेपर आप देख लो। 5 आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये 5 क्वेश्चन आप इसको हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं रहता है, हिंदी और इंग्लिश सेम ही रहता है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में असाइनमेंट लिख करके जमा कर सकते हो, इंग्लिश वाले हिंदी में दे सकते हैं, मीडियम की कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी मीडियम में आप अपने एग्जाम को दे सकते हो। बाकायदा वैल्यू एजुकेशन की जो क्लास होगी मैं आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा, तो अगर आपको क्लास पढ़ना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो या आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। आप लोग सभी जाकर के अपने असाइनमेंट को जरूर बनाओ और फटाफट 31 अक्टूबर से पहले अपने असाइनमेंट को जरूर जमा करवा देना। जितने भी बच्चों ने, अगर आप सभी ने जनवरी 2024 यानी अगर आपने जनवरी 2024 में, जनवरी फरवरी 2024 में या मार्च 2024 में अगर आपने एडमिशन करवा रखा तो आपका बीएम प्रोग्राम है, अगर आप आपका बीएम प्रोग्राम है तो वैल्यू एजुकेशन का असाइनमेंट आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से जरूर पूछ लेना और इसकी क्लास भी मैं आप सबको बहुत जल्द करवाने लूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, क्लास आपको मैं बहुत जल्द करवा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।